Hey guys, welcome back to a new video. आज हम जाएंगे snacks hall. ये लगा हम लोग का record है. This is Hiram. We have met before. आपने इसको last video में देखा होगा और ये हमारा नया दोस्त है. Hi. Mayur. तो अभी हम snacks hall में यहाँ पे आ गए और यहाँ पे I'm from Niagara Fall. अभी हम जा रहे हैं तो चलो चलते हैं. जो हम लोग जो चल रहे हैं वो एकदम पच-पच है. हाँ. क्योंकि the water is wet. हाँ. नीचे देख के चलना पड़ेगा मतलब इस पे है मतलब वो कहावत से रहे कि नीचे देख के चलो तो सबसे अच्छी सीढ़ी पे पहुंच जाओ अरे पैरों के निशान भाई आ जा भाई डायनासोर के निशान अरे वो बिगफुट है भाई भाई बिगफुट के निशान टास्मन टास्मन टाइगर इसमें नहीं टाइगर गए ओ भाई आवाज आ रही है वो भी बोल के अरे वो हाई बोल रहे थे वो देख हेलो गाइस इसके 50 काटो भाई इसके 50 ओवर एक्टिंग के 50 काटो ये भाई ओवर एक्टिंग का भी ऐसा एक रहता है एक्टिंग भी आनी चाहिए हां बराबर अभी शाहरुख खान को बोला ओवर एक्टिंग कर दो नहीं जमा तो वही आराम से भाई ये पाइपलाइन इधर क्या था अरे नहीं वो अपना ये रहेगा ब्रिटिश का टाइम हां ह्यूमन इंटरवेंशन हां बराबर ये गुफा है भाई भाई देखने की बात है कि अबे देखने की चीज है भाई कुछ पाइप पाइप नहीं निकल नहीं रहा भाई यहाँ से इसके ऊपर रिपोर्ट बना सकते हैं यहाँ से पानी निकल नहीं रहा आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था ब्रिटिश ये आइडेंटिफाई मत बोल तो कैसा तो लगता है अब आइडेंटिफाई हो चुका है दिस थिंग आइडेंटिफाई एज अ पाइप अजय सीमेंट सीमेंट पाइप मत बोल कैसा तो फील होता है अभी जैसे 5 बज रहे हैं तो अभी से रात होने वाली है तो अभी ट्राई कर रहे हैं हम वहाँ पे पहुँच जाए जल्दी से जल्दी इधर से कितना ऐसा अच्छा व्यू दिखता रहेगा देख यहाँ पे एरिया है तो यहाँ से व्यू है क्या गाइस वी आर गोइंग टू रेस्ट ओवर हियर फॉर 2-3 सेकंड्स चलो भाई अभी तो ना बर्फ पड़ी है अभी माउंट वेलिंगटन में इसलिए ठंडी हवा ज्यादा चल रही है नेचुरल सीमेंट है नहीं आई थिंक दिस रॉक आइडेंटिफाइज एज सैंडस्टोन एंड इट इज ऑफ कोर्स इट इज नेचुरली मेड टेस्ट करके दे पूरी पाइन ट्री ये पाइन ट्री जब आंधी वगैरह से गिर जाते हैं तो गिर के पूरी इसमें फंगस वगैरह लग जाती है जब देखते तो पूरी मॉस वगैरह लग रही है गुड नॉलेज भाई गुड नॉलेज भाई अच्छी नॉलेज है भाई देख यहाँ का ओ ओ भाई ओ सॉरी अभी हिट वीडियो बन जाती ओवर एक्टिंग कर सकता हूँ मैं गिरने की गिरने की व्यूज नहीं, के लिए व्यूज के लिए कुछ भी और जो वैसा चल रहा है ना उसके पास ही शूज अच्छे वाले सबसे महंगे वाले शूज इसी के पास हाँ भाई क्रैब की तरह चल रहे क्रैब होता है ना अरे वो टेक्निक रहेंगी क्रैब जैसा चलने की भाई अरे आइडेंटिफाई छोड़ यार आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पाइन ट्री गिरा हुआ है बताइए भाई ज्ञान दीजिए थोड़ा ज्ञान दीजिए आप देख सकते हैं ये एक पाइन ट्री है पाइन ट्री जब गिर जाता है ना तो इसके अंदर से मतलब मॉस वगैरह इसमें बननी शुरू हो जाती है और फिर ये एक पूरा नेचर का पार्ट बन जाता है डिकम्पोज होकर इसमें से प्लांट्स वगैरह निकल रहे हैं तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग पर इसमें कुछ खाने लायक चीज है क्या इसमें बस खाने लायक चीज है इंसेक्ट सर इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और काफी अच्छा बोले आप लेट्स गो पर ये देखना भाई कितना यूनिक जगह भाई चारों तरफ से खुला है भाई मतलब ना लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख रहा है भाई एकदम यूनिक है एकदम जाओ क्या अंदर जाओ नहीं भाई कुछ तो दिख रहा है ऊपर पर ना एकदम यूनिक लग रहा है भाई नर्दी तो डायलॉग
चारों तरफ से जा सकते है भाई। ओहो, दिस इज द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स। ये देखो कैसे रूट्स की वजह से स्टेप्स बन गए। देखो ये जो सॉइल है ना, ये अलग कलर का है। तेरे पहले ही तो बात किया ना कि ये हाँ सेडिमेंटेशन, रॉक फॉर्मेशन, तो उसका ही थोड़ा सा विकसित रूप है। ये हजारों साल पुराना रहेगा क्या? ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये रहेगा 1340 वर्ष पुराना। अभी इतना तीनों जन बैठे हैं तो मेरे को फील आ रही है घोटिया। चाय मंगा लेते हैं भाई, चाय मंगा लेते हैं भाई। ये ले ले दूसरा चाय। चाय मंगा लेते हैं भाई, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी भी आधे रास्ते में ये ले गोटी, गोटी। भाई अभी अंधेरा होने वाला है, चल ये अच्छी चीज है, ये पेड़ को ना बीच में से काटा है ताकि रास्ता बना सके। भाई थोड़ा व्यूज के लिए हॉरर बनाते हैं, यहाँ पे कुछ तो हुआ है थोड़ा सा। हम लोग यार ये जो ट्री कट है, सुना भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। सच में डर गया अभी, भाई फिसल जाता है यहाँ से। वो उसका सच में माउंटेन का शूज है और वो जा रहा था भाई। कितना सुंदर है यार ये, सो ब्यूटीफुल। ओए हिरम, हाँ तुझे आवाज आई यहाँ से? आवाज आ रही है तुझे? हाँ भाई। यार मेरे को यहाँ का ना माहौल सेफ तो नहीं लग रहा भाई। बता रहा हूँ भाई, रात हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा डर लग रहा है अभी भाई। मेरे को बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है यहाँ पे, और अभी आवाज भी आई थी पता नहीं कैसी भाई, बहुत डर लग रहा है ऑनेस्टली बोलता हूँ। यार भूत वगैरह का यहाँ पे हो सकता है? हो सकता है भाई। ये ब्रिज पे जैकब भी लिखा हुआ है भाई। जैकब, जैकब अब 2024 भाई। भाई यहाँ पे बोलते हैं जैसे यहाँ पे जो जो यहाँ पे प्रिजनर्स थे उनको लेके आया था। हाँ भाई ये यारे नहीं है, सच है। जो जो प्रिजनर्स को लेके आए थे उनको मारा गया था भाई, इसीलिए थोड़ा ये डरावनी तो सी जगह है। काम किया जाए यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाए और वाटरफॉल देख के आते। चल और हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल नहीं है यार, वाटरफॉल का है यहाँ। मुझे लगा भाई जोक बन रहा है। मैं खाली एरिया में पहुंच चुके, यहाँ पे पूरा से खाली है, पूरा ऐसे घर बना रखे खाली है। पहले के जमाने में इधर चूल्हा किधर था भाई? ये चूल्हा था इधर, वो देखो चूल्हा था, ये चूल्हा था। लाइक शेल्टर हाउस है ये देख, यहाँ पूरे ऐसे नाम लिख रखे लोगों ने और पूरा वेंडलाइज कर रखा है कह सकते हैं, लेकिन पूरे नाम यहाँ पे है देखो। और ये सारे आप सब लोग देख सकते हो कि यहाँ से काफी गहरा है भाई। इधर संभाल के चलो, मैं तो बोलता हूँ मोबाइल बंद करो अभी, थोड़ा आँख खोल के चला करो इधर भाई, थोड़ा टॉर्च वगैरह ऑन कर लो भाई। आइए लेफ्ट में स्टोन दे, कोई शेर रहता है यहाँ पे। अभी हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे काफी बड़ा है देखने के लायक, हमें पता नहीं था इतना बड़ा होगा। और अभी यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं देखने का, अंधेरा हो चुका है और काफी लेट हो चुके हैं, और थोड़ा पास जाके देखते हैं कि क्या बनता है। सो गाइस अभी हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था भाई यहाँ पे जाने? इस टाइम में जबरदस्ती लोग के साथ आया, पीछे बिठाया मुझे क्योंकि पीछे बिठाया गया, ठीक है मैं आया हूँ अभी। इंटरेस्टिंग था कि ये लोग ऐसा रोल प्ले करते, थोड़ा रोल प्ले मत बोल भाई, ये कट कट होना चाहिए, मैं कट गया। नहीं ये कट मत करना, ये कट मत करना। okay, okay. तो यहाँ पे ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा हॉरर विरर फीलिंग में ऐसा ऐसा बातचीत हो रही थी, फिर सच में डर गए हम लोग, फिर वी वर सो फ्राइटेंड अबाउट इट। आप फोटोज देख लेना वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में, ये भाई साहब डाल देंगे। आप जरूर आइएगा यहाँ पे, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस, एक्सेलेंट। मेरे को भी अच्छा लगा काफी ज्यादा अगर बोला जाए तो। चीज ऐसी है ना कि वहां पे जाके इट्स अ न्यू थिंग, अब वहां जाके एक्सप्लोर कर रहे हो, इट्स
इट्स सच अ नाइस प्लेस, आई थिंक यू ऑल शुड चेक आउट. अगर आप तस्मानिया में हो तो आपको वहां जाके देखना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए. इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड. सो एनीवेज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय बाय.